प्रिय भक्तजनों, बाबा सोमनाथ जी के तपोबल से वह बच्चा दीपक जीवित हो जाता है और ग्रामवासी बड़े खुश होते हैं और उस बच्चे को बाबा को सौंपने की कह देते हैं। बताते हैं कि कुछ समय के बाद बाबा सोमनाथ अपने परम सेवक सुखी राम को ढूंढने की सेवा में लगा करके सोना की पहाड़ियों में एकांत पास में भजन और मनन करने के लिए चले जाते हैं। कैसे बताया? ओ बन में तपन शांत लागे साची लौ लगी थी, और मैं बन में तपन शांत लागे साची लौ लगी थी, और मैं बन में तपन शांत लागे साची लौ लगी थी, हर में गुरु वचन हरि नाम की रटना यो क्रिया मन का मुँह रखना, गुरु वचन हरि नाम की रटना यो क्रिया मन का मुँह रखना, वो खुद को रोज पढ़न लागे साची लौ लगी थी, हर में ओ पण में तपन शांत लागे साची लौ लगी थी, हर में कंद मूल पत्तों के आहारी तन में भस्म लंगोटी धारी, कंद मूल पत्तों के आहारी तन में भस्म लंगोटी धारी, ओ विधि ने आप लखन लागे साची लोती, हर में विधि ने आप लखन लागे और साची लौती, हर पण में तपन शांत लागे साची लौ लगी थी, हर में अंतर्मुख से भरमण करना पार ब्रह्म की देखे रचना, अंतर्मुख हो भरमण करना पार ब्रह्म की देखे रचना, वो हर का दर्श करण लागे सच लौ लगी थी, हर में हर का दर्श करण लागे साची लौ लगी थी, हर पण में तपन शांत लागे साची लौ लगी थी, हर में सठ तीरथ घट ब्रह्मांड में राम कृष्ण लख संत अखंड में, अड़सठ तीरथ घट ब्रह्मांड में राम कृष्ण लख संत अखंड में, ओ अमृत रस सखन लागे साची लौ लगी थी, हर में अमृत रस सखन लागे साची लौ लगी थी, हर में बन में तपन शांत लागे साची लौ लगी थी,